Yes! 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 चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सलाम अलैकुम खवातीन व हज़रात। वालेकुम सलाम अन्नू भाई, क्या हाल चाल है आपके? खुश आमदीद मेरी इस नई वीडियो में, और आज की इस वीडियो का उन्वान है एम्बैरेसमेंट व्हाइल क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियोस। मगर क्यों? इस टाइटल का आइडिया मुझे कुछ यूँ आया क्योंकि मेरे इस दोस्त ने मेरी ये वाली वीडियो देखी थी, फहद अहमद, जिनका यूट्यूब एक चैनल है फॉलो फहद के नाम से। तो क्या नाचो भाई? तो उन्होंने जब मेरी ये वाली वीडियो देखी तो फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि यार मैं भी ऐसे शॉट्स लेना चाहता हूँ अपने घर में, ऐसी रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता। बस हवा निकल गई। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि एम्बैरेसमेंट। ये गड़बड़ है बाबा, कि घर की दीवारों का कलर उतरा हुआ है या घर अजीब दिख रहा है वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे उसने सवाल किए, इस सब इस वजह से वो वीडियोस नहीं बना पाते। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि या तो आप वीडियोस बनाओ या फिर एक्सक्यूज। एंड द ऑस्कर गोज टू, चॉइस आपकी अपनी है, ठीक है। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ये सोचते हैं कि यार पता नहीं अजीब और गरीब कमेंट्स आएंगे, पता नहीं क्या क्या। भाई सीधी सी बात है, वो लोग आपके घर में राशन नहीं डलवाते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप अपनी वीडियोस खुद ही बनाओ, अपने स्क्रिप्ट खुद ही लिखो, सारी प्लानिंग खुद करो और अपनी वीडियोस बनाओ और अपलोड करो। ओके। अब मेरा एक कजन है, ठीक है, उसने बनाया था एक गेमिंग चैनल, ठीक है, समझ गया, फ्री फायर के लिए। वो गेम वगैरह कुछ ज्यादा ही खेलता है, इस वजह से वो अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उसकी वजह क्या है कि भाई उसके पास प्राइवेसी नहीं है। अच्छा, वो वॉशरूम जाता है रिकॉर्डिंग करने, और फिर एक दिन उसके अब्बा ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूंगा, तुम ये अपनी हरकतें ये छोड़ दो। उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। तो यहाँ ये हालत है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज है ही नहीं, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जब बंदा कोई चीज में स्ट्रगल करता है, वीडियोस बनाता है, तो इस तरह के मसले मसाइल आएंगे, लाजमी आएंगे। ये तो होगा, इस चीज पर अगर गौर फिक्र करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर चैनल ही छोड़ दो। अच्छा, हमको सिखा रहा है। मिस्टर बीस्ट की भी एक वीडियो देखी जिसमें वो ये कह रहा था कि भाई आपके शुरू के 100 वीडियोस में कोई व्यूज नहीं आएंगे, कोई आपको देखेगा नहीं, कोई आपको सब्सक्राइब नहीं करेगा। ये भगवान क्या जुल्म है, और 100 वीडियोस के बाद कोई कोई आपको देखेगा। 100 वीडियोस में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है और करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, अगर आपको व्यूज और सब्सक्राइबर चाहिए। कह दो कि ये झूठ है, तो उस स्ट्रगल को आपको पास करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। झूठ बोल रहा है।
अब इस स्ट्रगल में हमारे यहाँ काफी सारे लोग लगे हुए हैं। अच्छा, तो समझ में भी वो कायदे आजम ने भी क्या खूब कहा है। अच्छा, फिर साथ जिनको एतराज है मेरे घर की दीवारों से वो थोड़ा रखे हौसला। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा। तो वक्त के साथ साथ हर चीज में एक अपना एक टाइम लगता है, हर चीज का एक अपना टाइम पीरियड है, इसमें कोई इशू नहीं। अपनी वीडियो क्रिएटिंग को कंटिन्यू रखें। कैसे दिया आपको है? तभी चीजें इन्वॉल्व हो पाएंगी, चीजें अपग्रेड हो पाएंगी। अभी मेरी माइक की क्वालिटी दुनिया का सबसे बेहतरीन माइक जो है मेरे ही मोबाइल में लगा हुआ है। मैं पागल वागल हूँ। आपको साउंड क्वालिटी से अंदाजा हो गया होगा, लेकिन चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड हो जाएंगी इंशाल्लाह। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि जिस आवाम के बातों की आप फिक्र कर रहे हैं उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो बिल्कुल यूजलेस लोगों को फेमस कर देती है, आगे ले आती है, जैसे कि दिल पुकारे आजा, आर आर आर, पिल्ले, आर आर आर, पीछे तो देखो, आर आर आर, थोड़ी हो रही है, ये इस तरह की अजीबोगरीब चीजें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आप इस चीज को ज्यादा टेंशन ना लें, आप भी क्रिंज वीडियो बना लें, कल ये निदा यासर आप लोगों को भी इनवाइट कर लेगी। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। जिनके घर वाले इस चीज से एतराज करते हैं ना कि वीडियोस वगैरह बनाने से, तो बात सिर्फ ये है कि पैसे की कमी है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कल अगर आप दो पैसे उनको दे दो ना, तो फिर कहेंगे बेटा लगे रहो। सही पकड़े हैं। वॉशरूम में आपका बिस्तर लगा दूंगा, वहीं पर ही काम करते हो, बस आपको जितनी प्राइवेसी चाहिए हम आपको देंगे। खवातीन हज़रात, इस वीडियो को बनाने में कुछ ज़्यादा ही मेरी मेहनत लगी है। अभी आप इसका टाइमलाइन चेक करें तो ये जो है हमारा पूरा टाइमलाइन है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मज़र मज़र सर, भाई आप लोग गवाह। अजहर साहब आप क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग। दरअसल मुझे जल्दी फेमस होना है ना, इसलिए। ये कौन सी जगह है रिकॉर्डिंग की? वॉशरूम। करो फिर। नहीं मगर क्यों? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ।